गॉट कोई क्वेश्चन? उसके बाद आता है आपका पीएच। पीएच जो है आपका वो आपके पानी की एसिडिटी और एल्कलिनिटी को बताता है। उसमें वो क्या बताता है आपका कि जो हाइड्रोजन आयन्स हैं तो जो आपके जब आप देखते हैं तो आपका पानी की बात करें तो इस तरह से आपका ये पानी का फॉर्मूला है H2O, जिसमें एक आयन H का है और दो आयन आपके ऑक्सीजन के। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर जो हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम न्यूट्रलाइज वाटर बोलते हैं, उसका पीएच अगर आप देखेंगे तो 7 है। और जो आपकी कल्चर स्पेशीज हैं वो आपका सुटेबल रेंज जो है उनकी 6.5 से लेके 8.5 तक सुटेबल रेंज है, पर जो वो झेल सकती हैं वो सिर्फ 0.5 का ही वेरिएशन झेल सकती हैं। या तो वो पानी आपका 7 7.5 रहे, 7.5 8 रहे, 8 8.5 रहे। ऐसा नहीं कि सुबह वो 8.5 था और शाम को वो 6.5 है। उस केस में भी आपके कल्चर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो फोकस करना है 0 से 14 आपका पीएच स्केल है, 0 to 7 आपका एसिडिक है, 7 आपका आइडियल है, 7 के बाद 7 to 14 आपका बेस अम्लीय क्षारीय और न्यूट्रल। पीएच और द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी को डिनोट करता है। द पीएच स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 14 विद 0 बीइंग मोस्ट एसिडिक एंड 14 द मोस्ट एल्कलाइन। पीएच 7 इज अ कंडीशन ऑफ न्यूट्रलिटी एंड रूटीन एक्वा कल्चर अकर इन द रेंज 7.5 to 8.5। ग्रेटर देन पीएच 9 इज डेंजरस एज अमोनिया टॉक्सिसिटी इंक्रीज रैपिडली एट हायर टेम्परेचर। फिश आर मोर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। तो जो पीएच है आपका सीधे सीधे आपका टेम्परेचर पे डिनोट करता है और जो आपकी अमोनिया है सीधे सीधे पीएच पे और टेम्परेचर पे डिनोट करती है। अगर आप अपने पीएच को और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे तो अमोनिया टॉक्सिसिटी अगर बढ़ भी रही है तो उसका इफेक्ट इतना आपके एक्वाटिक एनिमल्स पे नहीं होगा। द पीएच शुड बी मॉनिटर बिफोर डॉन ऑफ द लो लेवल एंड इन द आफ्टरनून फॉर द हाई लेवल। तो जनरली फार्मर के क्वेश्चन होते हैं कि हम पीएच कब करें, तो जो पीएच के सुटेबल टाइम है आप दो टाइम पर उसको देख सकते हैं। सुबह के टाइम में जो 5 से 6 7 बजे तक का टाइम है और दूसरा दोपहर का 2 से 3 4 बजे तक का जो टाइम है। उन दोनों रेंज को आप देखेंगे और उनमें 0.5 से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो वो आपका आइडियल रेंज है। एन एल्कलिनिटी अबव 20 ppm जो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है इज प्रिफर्ड इन पॉन्ड, उससे कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेश वाटर में अबव होगी, अगर सलाइन वाटर में देखेंगे तो ये और भी ज्यादा होगी, 180, 220, 270, 280, 320, 400 तक भी आपको मिलेगी। इंटरवेंशन सच एज फ्लशिंग ऑफ पॉन्ड टू रिड्यूस द पीएच इज एडवाइजेबल व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्चुएशन इन पीएच इज ग्रेटर। अगर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं आप, अपनी एल्कलिनिटी को मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, एक्सेस फूड जो भी है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं तो पीएच के कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बफरिंग आप सही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपको आती है तो पीएच को रिड्यूस करने का सबसे
आसान और सबसे पुराना तरीका, आप वहां से अपना 1 से 25% तक का वाटर चेंज कर दीजिए और नया वाटर डाल दीजिए और अपने कल्चर को दोबारा से कंटिन्यू कर लीजिए। आपका कल्चर दोबारा से स्मूथ हो जाएगा। अदरवाइज जो बफरिंग केमिकल्स हैं आपके, जैसे आपका एग्रीकल्चर लाइम है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट आप CaCO3 के नाम से जानते हैं, वो डोज आपकी प्रॉपर जाएंगी वो कौन आपको बताएगा? वो कोई टीचर, कंसल्टेंट, यूट्यूब, गूगल नहीं बताएगा, वो आपके वाटर पैरामीटर आपको बताएंगे। तो आप अपने वाटर पैरामीटर को मेजर करते रहिए, वो ही आपके जो आपका इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे। जब जरूरत है तभी वो आप यूज कीजिए। कोई भी ऐसा सिंगल थंब रूल नहीं है कि 2 दिन के बाद ये करना है, 5 दिन के बाद ये करना है, फर्स्ट वीक में ये करना है, सेकंड वीक में ये करना है। वो सब कुछ आप जज करेंगे क्योंकि आप अपने फार्म पर हैं। तो जो आपके वाटर पैरामीटर बोल रहे हैं वो फर्स्ट साइन है कि जो आपको समझाएंगे, जो आपको एजुकेट करेंगे, सो दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन। करेक्ट? जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फार्मर फेस करता है प्रॉब्लम, वो है आपका अमोनिया। और जनरली अमोनिया एक सिंपल टर्म वो ले लेता है जिसमें क्या है कि एक है आपका 10। 10 किससे डिनोट करते हैं आप? शैलिश, कुछ आइडिया? सॉरी, टेन, टेन का आइडिया? अमोनिया आयोनाइज एंड अनआयोनाइज अमोनिया, अमोनिया ठीक है। NH3 NH4 का तो कॉम्बिनेशन। हाँ, तो जब हम अपनी किट से मेजर करते हैं तो जनरली हम किसको देखते हैं? हम 10 को देखते हैं। तो जो 10 है आपका कॉम्बिनेशन, वो आपका अमोनिया और अमोनियम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है? तो ये वाला जो पैरामीटर है ये हमारी फिश के लिए हार्मफुल नहीं है। ये जो है आपका, ये हमारी फिश के लिए हार्मफुल है। तो जब हम अपनी API किट में देखते हैं तो हम इन दोनों की वैल्यूज देखते हैं। और हम जब अपना मोलासेस कार्बन सोर्स डालते हैं तो हम इस वाली वैल्यू को ही कंसीडर करके डालते हैं, क्योंकि इस वाली कैलकुलेशन में जाएंगे तो और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मर के लिए हो जाएगा। तो ये इजी है, यहीं से हम उसको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कैसे उसको डालना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है फार्मर के लिए जो इश्यूज फेस करता है। पहले वो पीएच के लिए करता था, अब वो पीएच के लिए नहीं करता। पीएच के लिए उसको पता चल गया है कि एग्रीकल्चर लाइम डालूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट डालूंगा, प्रॉपर रखूंगा, तो पीएच के कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। अमोनिया का सबसे ज्यादा है। अमोनिया इज द सेकेंड गैस ऑफ इंपॉर्टेंस इन फिश कल्चर। इट इज सिग्निफिकेंस टू गुड फिश प्रोडक्शन इज ओवरवेलमिंग। हाई अमोनिया लेवल कैन अराइज फ्रॉम ओवर फीडिंग, प्रोटीन रिच, एक्सेस फीड डिके, टू लिबरेट टॉक्सिक अमोनिया गैस विच एन कंजक्शन विद द फिशेज एक्सक्रीटेड अमोनिया मे एक्यूमुलेट टू डेंजरसली हाई लेवल अंडर सर्टेन कंडीशन। और जो आपका अमोनिया है सीधे सीधे आपके पीएच और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका अमोनिया बढ़ भी रहा है पर अगर आप पीएच और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और किस वजह से होता है वो आपका? जब आप अपनी फिश को बहुत ज्यादा ओवर स्टॉक कर रहे हैं, आपने स्टॉकिंग तो बहुत हाई कर दी पर आपके पास वो इंफ्रा नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, फीडिंग। अब इनिशियल में क्या होता है कि उसको 40% तक का प्रोटीन फीड चाहिए, तो जैसे ही आप 25, 28, 30% से ज्यादा का प्रोटीन फीड यूज करते हैं तो वहां पे
डीके होगा वो आपका डीकम्पोज होगा, और डीकम्पोज होने से भी आपका अमोनिया वहां पे ज्यादा बनेगा, आपका एरिएशन प्रॉपर नहीं है, तो उन गैसेस को वो वहां से रिलीज नहीं कर पाएगा और वो वहीं पर पड़ा रहेगा, और वो सीधे सीधे अमोनिया आपके एक्वाटिक एनिमल को इफेक्ट करेगा, जो आप मास मॉर्टेलिटी उसमें फेस करेंगे। करेक्ट? जनरली आपका हार्डनेस, बहुत दिन भर में मेरे पास कॉल आते हैं कि हमारे पास फ्रेश वाटर है सर, हमें क्रैब का कल्चर करना है, हम रॉ सॉल्ट डाल देंगे, हमारे पानी की हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो उतना इजी भी नहीं है जितना आप यूट्यूब वीडियो देख के समझ जाते हैं, क्योंकि कोई भी आपको पूरा डिटेल में बताने के लिए वहां तैयार नहीं है, और इतना टाइम शायद जो व्यूअर है उसके पास भी नहीं है, या तो वो ड्राइव करते हुए देख रहा है, कहीं वो किसी का वेट कर रहा है तब वो उन वीडियोस को देख रहा है। डेडिकेशन एजुकेशन वीडियो में बहुत कम आता है लोगों का, तो जब आपको जरूरत होगी तभी आप उस चीज को देखेंगे, अदरवाइज एजुकेशन बहुत जरूरी है पर तभी आदमी लेता है जब उसको जरूरत है, चलते चलते कोई लेगा नहीं। तो हार्डनेस बेसिकली क्या बता रहा है आपका, मिनरल सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन वाटर, तो सिर्फ एक रॉ सॉल्ट घोलने से आपका वो हार्डनेस नहीं आ जाएगी, उसके साथ में एन नंबर ऑफ और भी मिनरल्स हैं जो आपके पानी में मिलते हैं। द मेटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अलॉन्ग विद देयर काउंटर आयन कार्बोनेट कंप्राइजेस द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। तो जनरली हम पानी की हार्डनेस को कार्बोनेट से, कैल्शियम से और मैग्नीशियम से ही मेजर कर लेते हैं कि वो पानी की हार्डनेस है। ऑप्टिमम हार्डनेस ऑफ एक्वाकल्चर इज इन द रेंज ऑफ 40 to 400 ppm ऑफ हार्डनेस। तो अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो उसमें आपकी 40, 150, 250, 350, 400 ppm तक की हार्डनेस आपको मिलेगी, जो आप बोर वाटर यूज करते हैं, जो आप अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं, जो आपके पास सप्लाई का म्यूनिसिपलिटी का पानी आ रहा है उस पानी को, तो ये जनरली हार्डनेस आपकी फ्रेश वाटर को डिनोट करती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट के कंटेंट कम होते हैं, तो इसकी हार्डनेस भी कम है, इसलिए वो पानी हमारे पीने लायक है। पर सेम अगर आप यही ओशन की, सलाइन वाटर की, ब्रैकिश वाटर की चेक करेंगे तो ये हार्डनेस बहुत ज़्यादा आएगी। तो जब ये हार्डनेस आपकी 1000 ppm से ऊपर हो जाएगी तब वो आपका हार्ड वाटर बन जाएगा, जो आपके पीने के लायक नहीं है, जिसमें कैल्शियम के कंपोनेंट होंगे, मैग्नीशियम के कंपोनेंट होंगे, सोडियम के कंपोनेंट होंगे, पोटेशियम के कंपोनेंट होंगे, और भी हैवी मटेरियल्स हैं जिनके कंपोनेंट होंगे। हार्ड वाटर हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बफरिंग द इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल सच एज कॉपर जिंक। तो जो आपके टॉक्सिक हैं आपके एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, तो उसमें आप फ्रेश वाटर वाली स्पेशीज का कल्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेंटेन करती रहेगी अपने ऑस्मो रेगुलेशन को, और सिर्फ वो मेंटेन करने करने में सरवाइव कर जाएगी, क्योंकि वो अडप्ट हो जाएगी उस एनवायरनमेंट के, पर वो वहां पे ग्रोथ नहीं ले पाएगी। द हार्डनेस इज अ वाइटल फैक्टर इन मेंटेनिंग गुड पॉन्ड इक्विलिब्रियम, और वही हार्डनेस आपकी पानी के गुड इकोसिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। तो हार्डनेस आपकी डिपेंड करेगी डायरेक्टली कि वो आपका फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर स्पेशीज आएंगी, अगर हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर स्पेशीज आएंगी, जैसे आपका श्रेम्प हो गया, प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया। करेक्ट? एक आपका पैरामीटर आता है टर्बिडिटी, जिसे आप बायोफ्लॉक में अपना फ्लॉक काउंट के नाम से भी जानते हैं। फ्लॉक काउंट में आप क्या करते हैं, बेसिकली आप अपना आईएमएफ कौन ले लेते हैं,
कुछ इस तरह का, और यहाँ पे उस पे आप